हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट एक्चुअली में ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो हम लोग अपलोड किए थे मेजरमेंट ऑफ एंगल था, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे क्या है आज? आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिटी सर्कल। ठीक है, यूनिट सर्कल के हेल्प से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे ही डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ये जो ट्रिगोनोमेट्री एक वर्ड है ना, ये पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से? ये ग्रीक का दो वर्ड से मिलकर के बना है। ग्रीक का दो वर्ड से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है, जिसका नाम है ट्रिगोन और मेट्रोन। ठीक है, ट्रिगोन का मतलब होता है थ्री एंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब डेफिनेशन क्या हो गया? तीन एंगल का मेजरमेंट। तीन एंगल किस में होता है? ट्रायंगल में होता है। बेसिकली ट्रायंगल का बात किया था शुरुआत में, लेकिन बाद में ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ हम लोग करने लगे ट्रायंगल का एरिया निकालने में, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल के बारे में, और भी बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे जैसे कि मैथ में ही बहुत सारे पोर्शन यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज हम लोग करने लगे। ठीक है, इसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो दिए थे उनका नाम था हिपरकस। ये जो है ग्रीक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट को दिए थे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में छह रेशियो होता है। वो क्या क्या है जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं? साइन, जिसको हम शॉर्ट में साइन पढ़ते हैं, कोसाइन, जिसको शॉर्ट में कॉस पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में टैन पढ़ते हैं, कोटेंजेंट जिसको शॉर्ट में कॉट पढ़ते हैं, सेकेंट जिसको शॉर्ट में सेक पढ़ते हैं, और फाइनली है कोसेकेंट जिसको शॉर्ट में हम लोग कॉसेक पढ़ते हैं। बस ये था थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन सब रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं यूनिट सर्कल के मदद से। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है मतलब पहला चैप्टर में, जो पहला चैप्टर क्या था, रिलेशन बिटवीन एंगल और डिग्री वाला, रेडियन वाला, एंगल नहीं डिग्री और रेडियन का जो रिलेशन था उस चैप्टर में, एक क्वेश्चन क्या था कि कोई पेंडुलम है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो पेंडुलम का जो लेंथ दिया है वो 35 सेंटीमीटर दिया है मान लो, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मान लो 7 सेंटीमीटर, तो इसका एंगल निकालना था। ठीक है, तो एंगल क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। एस कितना है? 7 सेंटीमीटर। एस क्या है? 7 सेंटीमीटर। आर क्या है? 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट के क्या आएगा? 1/5। देखो यहाँ भी सेम यूनिट कट के क्या है? 1/5। 1/5 क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर को। और थीटा क्या है? एंगल रियल नंबर का। यानी कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रियल नंबर का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इस पे ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। चलो देखो, थीटा इक्वल टू एस बाई आर क्या है कि कोई एक सर्कल है। चैप्टर क्या था? डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ यूनिट सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ओ एक क्या है? रेडियस है, और ये क्या है? 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट मान लो। और ओ पी एक आर्क है, तो थीटा ये एंगल है, और ये थीटा एंगल है। ठीक है, थीटा एंगल है, और पी ए जितना होगा एंगल भी उतनी होगा, याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एस हो गया। थीटा और एस सेम है, एस को मान लो एक्स, तो थीटा भी क्या हो गया? एक्स। यानी कि अब हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। आओ और आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? y एक्सिस। ये क्या है? x एक्सिस। ठीक है, x o x डैश, y o y डैश। ठीक है, हमने इस पे एक सर्कल बनाया। ये जो सर्कल है वो ओ ए क्या है? रेडियस है। ये 1 यूनिट सर्कल बनाया, अच्छी बात है। और हमने एक पॉइंट लिया पी इसी सर्कल पे हमने एक पॉइंट लिया पी, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी।
ए कॉमा बी का मतलब क्या हो गया? ए कॉमा बी, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ होगा ये, मतलब कि ये कितना हो गया बी और ये कितना हो गया ए, यहाँ पे ए मान लेते हैं, क्लियर हुआ ना, बी और ये, और ये जो एंगल है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे अब एंगल को। तो अब हम लोग अगर बात करें साइन एंगल ए ओ पी का, तो ये होगा पी एम बाई ओ एम, पी एम बाई ओ एम, ओ गलत बोला था मैंने, पी एम बाई ओ पी गलत बोल दिया मैंने, क्या होता है ओपोजिट साइन एंगल, हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे साइन का जो एंगल होगा, उस वक्त जब पढ़े थे हम लोग साइन थीटा क्या पढ़े थे, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, यही पढ़े थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा पी एम बाई ओ पी, बाई ओ पी, ओ पी तो वन है, क्यों वन है, क्योंकि ओ पी और ओ ए रेडियस है सेम सर्कल का, तो दोनों तो सेम है और रेडियस हम लोग क्या पकड़े हैं वन पकड़े हैं, तो ओ पी भी क्या हो गया वन हो गया खत्म। पी एम कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यानी कि साइन एक्स जो है वो क्या हो गया बी हो गया, ये अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब जरा सा ये देखो कॉस एंगल ए ओ पी का बात करें तो वो क्या हो जाएगा ओ एम बाई ओ पी, ओ एम ये क्या है ए है और ओ पी क्या है वन है, तो ख़त्म, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया ए आ गया, यानी कि अब इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत ध्यान से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूँ, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, यानी कि पी जो कोऑर्डिनेट हो गया उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये था अभी हम लोग साइन और कॉस कहाँ से आया उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब साइन और कॉस हमें पता चल गया, तो पता है साइन का उल्टा क्या होता है, मतलब साइन एक्स इज इक्वल्स लिख सकते हैं क्या वन बाई कॉसेक एक्स, लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन बाई साइन एक्स, और साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा वन, चलो ये भी सही है। कॉस एक्स, कॉस एक्स ये क्या होगा वन बाई सेक एक्स होगा, यानी कि सेक एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन बाई कॉस एक्स, यानी कॉस इंटू सेक क्या होगा वन होगा, साइन मिल गया कॉस मिल गया सेक मिल गया कॉसेक मिल गया, अब बारी किसका है टैन का है, तो टैन एक्स ये क्या होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है इसका, और अगर कॉट एक्स निकालना होगा तो ये क्या होगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। और इन दोनों में भी रिलेशन है, क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में, तो देख लो ये भी टैन एक्स, टैन एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई कॉट एक्स और कॉट एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई टेन एक्स, क्लियर हुआ ना ये बातें, क्लियर हुआ ना, हुआ ना। तो ये था क्या क्लियर होगा, क्लास 10 में तो पढ़े हो, कई बार पढ़े हो, बस मैंने बताया कि कैसे कैसे सब आया है और कुछ तो नहीं बताया मैंने, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बार देख लो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब जरा सा ये देखो क्या क्या देखना है, ये पी एक कोऑर्डिनेट ए और बी और ओरिजिन है पी ओ, अगर हमें पी ओ निकालना हो तो याद करो क्लास 10 का ही बात है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, रूट ओवर देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना क्लास 10 में। तो पी ओ, पी ओ क्या है वन, रूट ओवर एक्स टू क्या है मान लो ए और एक्स वन क्या है जीरो, ये क्या है बी माइनस जीरो, इसको हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, स्क्वायर रूट उधर जाएगा स्क्वायर बन के जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, ए माइनस जीरो यानी कि ए, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी माइनस जीरो यानी बी, बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ वन हुआ, ए क्या, ए क्या था कॉस एक्स था ना, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया वन, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, क्लास 10 में पढ़े थे फॉर्मूला उस वक्त, और अभी कैसे आया वो हमने सीखा। चलो यहाँ से एक और फॉर्मूला सीख लेते हैं, अगर इस पूरे को ये एक फॉर्मूला आया है ना, ये फॉर्मूला आया, चलो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन को डिवाइड कर दो पूरे को साइन स्क्वायर एक्स से, साइन स्क्वायर एक्स से, यहाँ देखो
कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉट स्क्वायर एक्स होगा, होगा बिल्कुल होगा। और साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होगा? वन होगा। वन बाई साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉसिक स्क्वायर होगा। यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स को इधर लेकर क्या होगा? कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। ये एक प्रूफ हो गया है ना। एक ये फॉर्मूला था, एक ये फॉर्मूला हुआ है ना। अब एक और फॉर्मूला जान लेते हैं जरा सा, क्या है यही फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। डिवाइड कर दो दोनों तरफ किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से। तो कॉस स्क्वायर एक्स वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हुआ? टेन स्क्वायर एक्स। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। ये एक फॉर्मूला आ गया, आ गया। सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सब पढ़े हैं 10 क्लास में। मैं तो बस इसका प्रूफ बता रहा हूँ कि कैसे क्या आया है ना। देखो ओके, अब तक हम लोग जितना ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ाई किए उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर ले। जैसे कि मैंने शुरू में बताया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अंतर नहीं है। ये जो मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्लास 10 से ही लिया गया है। सीबीएसई आईसीएसई के स्टूडेंट या बंगाल बोर्ड स्टेट बोर्ड कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को पढ़े हैं उसमें इन सब क्वेश्चन को किए हैं। वही एक चैप्टर पूरा पूरी अभी है, तो इसको तुम आराम से कर ले जाओगे। आओ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स क्या है? क्वेश्चन क्या है? टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या करना है? प्रूफ करना है टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई, ये प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब कि इधर हमें एक्स लाना होगा, इधर हमें वाई लाना होगा। एक्स लाना होगा, वाई लाना होगा, मतलब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखो यहाँ पे क्या है, टेन स्क्वायर एक्स है ना, तुम सेक स्क्वायर वाई को टेन स्क्वायर और एक्स में कन्वर्ट करो, तो क्या फॉर्मूला था? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। क्या फॉर्मूला क्या पढ़ाया था अभी हमने? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन पढ़ाया था ना। तुम लोग क्या पढ़े थे क्लास 10 में? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स ना, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स ना, यही होगा ना, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा ना, यही होगा ना। तो चलो यहाँ पुट कर दो, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, अरे बार बार गलती कर दे, क्या हो गया? टेन स्क्वायर वाई माइनस अगेन सेक स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई रख दो, वाई रख दो, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर वाई इंटू टेन स्क्वायर, कुछ गड़बड़ लिखे हमने, सेक स्क्वायर एक्स था, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेक स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ भी क्या जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम ब्रैकेट हटाओ, टेन स्क्वायर इंटू वन, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर इंटू वन, टेन स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई। गौर करो, ये और ये कट गया, तो बचा क्या? टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, क्लास 10 में कई बार प्रैक्टिस किए होगे तुम लोग, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाया। और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लो इसको जरा सा, और एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन जैसे फिर से लिखते हैं यहाँ पे, क्या है? साइन एक्स बाई कॉट एक्स प्लस कॉसिक एक्स, यही है। देखो कॉट एक्स प्लस कॉसिक एक्स या कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स, बात तो एक ही है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। हम a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखिए, बात तो एक ही है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है मैथ में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स लिख दे रहे। क्यों क्यों करेंगे ऐसा? ऐसे खाब आया हमको, है ना, लिखते हैं कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स और मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स से, और ये क्या हो जाएगा? कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये कुछ उस तरह से नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए क्या है? कॉसिक एक्स है, तो कॉसिक एक्स का स्क्वायर माइनस कॉट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन एक्स इंटू कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये तो वन हो गया फॉर्मूला। अभी कुछ देर पहले हम लोग कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स वन होता है, वन हो जाएगा यहाँ पे। और साइन इंटू कॉसिक्स
साइन इंटू कॉसेक एक्स, तो मैं डायरेक्ट करूँ साइन एक्स माइनस ये देखो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, साइन इंटू कॉसेक क्या होगा वन, और साइन इंटू कॉट, कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, कॉट कॉस बाई साइन, कॉट कॉस बाई साइन, साइन साइन कटा तो क्या बच गया वन माइनस कॉस एक्स। चलो इसको डिटेल में लिखते हैं, डिटेल में लिखते हैं क्या हो गया साइन एक्स ये कॉसेक एक्स ये कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो साइन इंटू कॉसेक साइन इंटू कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉसेक्स बाई साइन एक्स, ठीक है साइन साइन कटा साइन इंटू कॉसेक क्या होगा वन, वन माइनस कॉसेक्स, ठीक है ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे राइट हैंड साइड का बारी है तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ये क्या है राइट हैंड साइड है, ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए। राइट हैंड साइड में क्या है देखो तो टू प्लस साइन एक्स कॉट एक्स है ना, इसको डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस वन बाई साइन एक्स, ठीक है तो यहाँ पे क्या जाएगा टू प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा कॉस एक्स माइनस वन बाई साइन एक्स, और ऊपर क्या है साइन एक्स है। चलो ये डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई, याद है वो बातें जो हम लोग बचपन में पढ़े थे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाता है ये ए इंटू डी बाई बी सी कुछ उस तरह से यहाँ भी होगा, तो क्या हो गया टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स माइनस वन, ठीक है इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा कॉस एक्स माइनस वन, यहाँ क्या है डिनोमिनेटर वन है वन इंटू वन से डिवाइड करेंगे कॉस एक्स माइनस वन, कॉस एक्स माइनस वन आएगा उसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा टू कॉस एक्स माइनस टू प्लस कॉस एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा वन, वन इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये इसको ऐसे लिखो टू कॉस एक्स माइनस वन और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है बिल्कुल होता है बाई कॉस एक्स माइनस वन, समझ गए हो गया यहाँ से क्या करना है। देखो टू कॉस एक्स माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई कॉस एक्स माइनस वन, मैं थोड़ा सा एक स्टेप जंप करूँगा, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे वन है तो वन का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एन कॉस एक्स प्लस वन इंटू कॉस एक्स माइनस वन, कॉस एक्स माइनस वन यहाँ भी है कॉस एक्स माइनस वन वहाँ भी है दोनों कॉमन हो जाएगा। फिर सुनो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस एक्स प्लस वन इंटू कॉस एक्स माइनस वन कॉस एक्स माइनस वन कॉस एक्स माइनस वन दोनों कॉमन हो गया, दोनों कॉमन हो गया कॉस एक्स माइनस वन, तो यहाँ क्या बचेगा टू माइनस वहाँ क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस वन बाई कॉस एक्स माइनस वन, ये कट गया तो यहाँ क्या बचेगा वन माइनस कॉस एक्स। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया, ये तो करना था। देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो समझो, तो अब तक जितना क्वेश्चन मैंने बनाया जितना क्या दो ही क्वेश्चन बनाया, बाकी तुम लोग घर में बनाओ पूरा तो क्लास टेन ही है ना, बनाओ बन जाएगा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने एक सर्कल लिया और कैसा सर्कल लिया यूनिट सर्कल लिया, कैसा सर्कल लिया यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब वो सर्कल जिसका रेडियस वन यूनिट हो, तो इसका ये ओ ए क्या है रेडियस है और ओ ए रेडियस है और मैंने रेडियस कितना माना वन यूनिट माना, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स एक्सिस पे ए है और एक्स क्या है वन है तो वाई क्या होगा जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं कोई असुविधा नहीं कोई परेशानी नहीं। चलो ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो तो ये वाई एक्सिस पे बात कर रहा है तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है जीरो होता है तो ये हो गया जीरो कॉमा वन। ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सी पॉइंट किसके ऊपर है एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे एक्स क्या है वन वाई क्या है जीरो। ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो कॉमा वन। क्यों ओ डी ओ बी ओ ए ओ सी सब तो रेडियस है और एक ही सर्कल पे जितना तुम रेडियस करो सबका लेंथ इक्वल होता है और यहाँ पे मैंने ओ ए को वन माना है इसलिए एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा तो एक्स क्या हो गया वन और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा इसलिए वाई क्या हो गया वन। अच्छा हम अभी जस्ट यहाँ से मूव होना स्टार्ट किए अभी तक मूव हुए नहीं एंगल बना नहीं है तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा साइन जीरो, मैं पहले कॉस जीरो लिख रहा हूँ कॉस जीरो लिख रहा हूँ पहले मैं कॉस जीरो लिख रहा हूँ कॉस जीरो लिख रहा हूँ
क्या लिख रहा हूँ, कॉस जीरो, पहले कॉस जीरो, कॉस जीरो एक्स क्यों लिख दिया, कॉस जीरो और साइन जीरो लिख दिया। कॉस जीरो क्या बताता है या कॉस एक्स क्या बताता है, एक्स को बताता है, एक्स को बताता है, ऑर्डिनेट को बताता है, और साइन किसको बताता है, ऑर्डिनेट मैंने गलत बोल दिया तो कन्फ्यूजन, पहले क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या बताता है, एब्सिसा को बताता है, एक्स को बताता है, और साइन क्या बताएगा, ऑर्डिनेट को बताएगा, मतलब कॉस एक्स को रिप्रेजेंट करता है और साइन वाई को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक्स कितना है वन, तो कॉस जीरो क्या हो गया वन और साइन जीरो क्या हो गया जीरो। क्लियर हुआ पक्का? चलो कॉस जीरो जब वन हो गया तो सेक जीरो क्या हो जाएगा, सेक जीरो क्या हो जाएगा, कॉस सेक जीरो क्या होगा, इस पर हम लोग सब बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अभी फिलहाल कॉस साइन के लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब जरा आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अभी हमने ऐसे मूव होना स्टार्ट किया, जब यहाँ पे आया तो कितना एंगल बन गया, पाई बाई टू का एंगल बन गया, पाई बाई टू का एंगल बन गया, तो यहाँ पे कॉस पाई बाई टू क्या होगा, जरा सोचो, सोचो जरा सा क्या होगा, साइन पाई बाई टू क्या होगा, सोचो, सोच लिए, कॉस पाई बाई टू क्या होगा, कॉस पाई बाई टू क्या हो गया जीरो, और साइन पाई बाई टू क्या होगा वन, वन हो गया। हम लोग फिर ऐसे मूव हुए यहाँ तक आए, तो ये पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक गया सी पॉइंट तक, तो कितना का एंगल बना, पाई का बना एंगल, एंगल पाई का बना ना, तो इस केस में साइन पाई, फिर मैंने साइन पहले लिख दिया, पहले क्या होगा कॉस होगा ना, पहले क्या होगा कॉस, पहले कॉस होगा, कॉस पाई, कॉस पाई और साइन पाई क्या होगा बताओ जरा सा, बताओ यहाँ से देख के बताओ क्या होगा, कॉस पाई एक्स को बताता है वन, साई पाई साइन जो है वो वाई को बताता है, और वाई क्या है यहाँ पर जीरो। फिर मूव होना स्टार्ट किए हम यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक डी तक, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो कितने का एंगल बना बताओ, कितने का एंगल बना, टू थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ पे कितने का एंगल बना, थ्री पाई बाई टू का, कॉस थ्री पाई बाई टू और साइन थ्री पाई बाई टू। यहाँ भी देखो कॉस थ्री पाई बाई टू जो है वो किसको बताएगा, एक्स को बताएगा, एक्स कितना है जीरो और साइन थ्री पाई बाई टू कितना है वन, ठीक है। अब हमने ऐसे मूव हो रहे थे हम लोग ना, ऐसे मूव हो रहे थे, ऐसे मूव हो रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे थे, और फाइनली कहाँ आ गए, ए पे आ गए। तो अब जब ए पे आए, ए पे आए, तो ए पे जब आए तो एंगल कितना बनेगा, एक कंप्लीट रोटेशन पे कितने एंगल बनता है, टू पाई का, तो यहाँ पे देखो कॉस टू पाई, कॉस टू पाई और साइन टू पाई, कॉस टू पाई क्या है देखो, क्या है वन, साइन टू पाई क्या है जीरो है, जीरो है। अब जैसे नोटिस करो कि साइन कहाँ पे जीरो है और कॉस कहाँ पे जीरो है, साइन कहाँ पे जीरो देखो, तो साइन कहाँ कहाँ पे जीरो है देखो, साइन जीरो पे जीरो है, जरा हम लोग देखें एक बार, ठीक है। साइन देखो, साइन जीरो पे जीरो है, फिर हम लोग थोड़ा सा और मूव हुए, यहाँ पे तो मूव जीरो नहीं है, फिर यहाँ पे है साइन पाई पे है जीरो, साइन टू पाई पे है, ये क्या है जीरो। हम और मूव होते हुए जाएंगे, यानी क्या देखें हम लोग, पाई टू पाई, फिर क्या आएगा थ्री पाई, फिर क्या आएगा फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, सब पे जीरो होता हो जाएगा। ये चीज़ सेम माइनस के लिए भी होगा ना, अगर हम लोग क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन माइनस टू पाई, साइन माइनस पाई, साइन और भी इधर नहीं, इधर जाएंगे हम लोग, इधर नहीं, इधर जाएंगे, और भी जगह पे जाएंगे, सब पे क्या होगा जीरो होगा, यानी कि साइन एक्स जो है वो जीरो हो रहा है कब, जब एक्स जो है वो एन पाई हो रहा है तब। ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है ना वन बाई कॉसिक, सॉरी कॉसिक एक्स क्या होता है वन बाई साइन एक्स, तो वहाँ पे अक्सर लिखा हुआ रहेगा ना एक्स नॉट इक्वल्स टू पाई एन पाई, एक्स नॉट, बहुत सारी जगह पे देखना है ऐसे, तुम लोग अभी चैप्टर खोलना अपना, उसमें ही देखना, उसमें लिखा हुआ रहेगा कॉसिक एक्स जो भी रहेगा, ठीक है, वहाँ पे लिख देगा एक्स नॉट इक्वल्स टू एन पाई,
क्यों? क्योंकि अगर x पाई n पाई हो गया तो क्या हो गया, साइन जीरो हो गया और समथिंग बाय जीरो. कॉसिक x क्या होता है, वन बाय साइन x होता है, और समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा. इसीलिए लिखता है कॉसिक x पे x नॉट इक्वल्स टू n पाई. ये बात क्लियर हो गया. अब हम लोग जैसा गौर करते हैं कि कॉस कहाँ कहाँ पे जीरो है, कॉस कहाँ कहाँ पे जीरो है, गौर करते हैं, गौर करते हैं, करो गौर करो, गौर करो. कॉस पाई बाय टू, कॉस थ्री पाई बाय टू, कॉस थ्री पाई बाई टू हो गया. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. कॉस पाई बाई टू, कॉस थ्री पाई बाई टू, कॉस फाइव पाई बाई टू, कॉस सेवन पाई बाई टू. हो रहा है ना, हो रहा है. इन सब पे क्या है, जीरो है. सेम ये नेगेटिव में भी हम जाएंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है. सेम हम नेगेटिव में भी जाएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा. कॉस माइनस पाई बाई टू, नीचे जाएंगे हम लोग तो जीरो होता हुआ जाएगा. तो कॉस एक्स ये क्या है, जीरो हो रहा कब, जब एक्स जो है वो टू एन प्लस वन पाई बाई टू हो. एन क्या है, एन क्या है, इंटीजर है. तुम यहाँ पे एन का वैल्यू क्या रख सकते हो, सपोज करो जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो इंटू टू जीरो प्लस वन जीरो वन, वन इंटू पाई बाई टू क्या होगा, पाई बाई टू. तुम एन का वैल्यू वन रखो, टू प्लस वन थ्री पाई बाई टू. एन का वैल्यू क्या रखोगे तुम, टू रखो तो टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव, फाइव पाई बाई टू. ठीक है, तो ये हो गया. तो अब जहाँ कहीं भी sec x लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे भी देखना, जहाँ sec x कुछ भी दिया हो तो वहाँ भी लिखा हुआ रहेगा x नॉट इक्वल्स टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू. ठीक है, अब जैसे कि tan x, tan x क्या होता है, sin x बाई cos x, तो वहाँ भी तुम्हें यही लिखा हुआ रहेगा. और फिर क्या है, cot x, cot x क्या होता है, cos बाई sin. तो जहाँ भी sin रहेगा x नॉट इक्वल्स टू n पाई लिखा हुआ रहेगा. तुम क्वेश्चन करोगे वहाँ पे मिलेगा तुमको ऐसा. तो यही था आज का क्लास, यहाँ पे ख़त्म करते, देख लो एक बार. ठीक है, ठीक है, आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. फिर मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक नए पार्ट में, नए जोश नए जुनून के साथ.